आज विश्व जनसंख्या दिवस है। बढ़ती जनसंख्या को लेकर चिंता तो जग जाहिर है। आइए इससे अलग हटकर कोरोना संकट के बीच थोड़ा मन हल्का कर लें। जैसा कि आप सभी जानते हैं, जैसे टीचर स्टूडेंट, डॉक्टर आबादी, पुलिस जनता का अनुपात होता है, ठीक वैसे ही नेता और जनता का अनुपात भी तो निकाला जा सकता है। जैसे दिनों दिन जनसंख्या बढ़ रही है, वैसे ही क्या नेताओं की संख्या नहीं बढ़ रही है? फर्ज कीजिए एक दिन ऐसा आए कि देश में नेता ज़्यादा हो जाए और जनता कम रह जाए, स्थिति यहाँ तक विकट हो जाए कि हर मोहल्ले में 10 में से 9 नेता हो जाए और सिर्फ एक जनता रह जाए। इससे एक तरफ नेता परेशान तो दूसरी तरफ जनता, नेताओं को जनता नहीं मिले। सड़क पर जनता को आवारा कुत्तों से उतनी परेशानी नहीं हो जितनी कि नेताओं से। किसी को कतई अंदाजा नहीं रहा कि स्थिति इतनी बिगड़ जाएगी। नेताओं का विकास जनता के दम पर होता है, इसलिए जब जनता नहीं रही तो नेताओं का विकास भी रुक जाएगा। अंततः सरकार को मजबूर होकर खुला लाइसेंस नीति के तहत विदेशों से जनता का आयात करना पड़ेगा, तब नेता जनता संतुलन कुछ संभलेगा और नेताओं का धंधा फिर से चमक उठेगा। यह तो रही व्यंग की बात, लेकिन गंभीरता से नेता जनता के अनुपात पर जरूर सोचिएगा। हाँ, गुणवत्ता के साथ।